गीता जयंती समारोह के समापन अवसर पर रविवार को प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला फतेहाबाद पहुंचे। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता शांति का परिचायक है। आज भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरा विश्व गीता ज्ञान को अर्जित करने में लगा है। गीता जैसे ग्रंथ इंसान को जीवन की सही दिशा बताता है, इसलिए इंसान को श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पदभार संभालने के बाद से बिजली महकमे में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों को बिजाई के समय 2 घंटे अतिरिक्त समय बिजली देने का मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जहां भी बिजली की तारें नीची अथवा लटक रही है उन्हें कसने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में कहीं भी नीची और लटकती तारें नजर नहीं आएगी। ईडी द्वारा ओम प्रकाश चौटाला के फार्म हाउस पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि ये ईडी का मामला है, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। सरकार इसको सरकारी प्रोग्राम में दे रही है और आज हमारा कंट्री का अंतर्राष्ट्रीय यहाँ हो रहा है, तो उसी कड़ी में एक हमारे फतेहाबाद में था जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी और सब आपने देखा, बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम करा,